बरेली के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इजतनगर के ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में देश में पांचवी रैंक हासिल की है। सोमवार को शिक्षा मंत्री ने एनआईआरएफ रैंकिंग जारी की है। इस वर्ष मानकों के आधार पर आईवीआरआई को 67.76 अंक मिले हैं। आईवीआरआई के निदेशक एवं कुलपति डॉ त्रिवेणी दत्त ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि आईवीआरआई संस्थान में नई शिक्षा नीति 2020 के आधार पर कार्य किया जा रहा है। आने वाले समय में हम इस रैंक को और ऊपर ले जाएंगे। आईवीआरआई भारतवर्ष का एक प्रमुख वेटनरी रिसर्च एजुकेशन और एक्सटेंशन एक्टिविटी का संस्थान है। ये अपने 135 साल सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुका है। हमें बड़ा खुशी है आपको बताते हुए कि इस वर्ष इस विश्वविद्यालय ने एनआईआरएफ रैंकिंग 5th प्राप्त की है और जो लास्ट ईयर से हमने अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव किया है और हम हमारी और जो नंबर 2 की रैंकिंग है उसमें सिर्फ 3 मार्क्स का अंतर रह गया है। हमने अभी पूरी तरह से एनालिसिस की है कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेसेस है। हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले वर्षों में हम इस गैप को पूरा कर लें। कल ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क रिलीज किया है और उसमें आईवीआरआई को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये रैंकिंग एक फुल प्रूफ रैंकिंग है और किसी भी जो नए जो एडमिशन लेना चाह रहा है किसी भी कॉलेज में तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। उसको इस रैंकिंग से इस बात का आइडिया हो जाता है कि इस इंस्टीट्यूशन में क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या टीचिंग का क्या स्टैंडर्ड है, बच्चों की प्लेसमेंट कैसी है, स्टूडेंट्स के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं और यहाँ वहाँ का रिसर्च एटमॉस्फेयर कैसा है, पब्लिकेशन क्या है, पेटेंट वगैरह कितने हैं, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट स्टूडेंट्स का वहाँ कैसे इंश्योर हो सकता है। तो जो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया है। इन्होंने बोला है कि 1 कि आप जो है NIRF में हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो माननीय निदेशक महोदय एवं जो यहाँ पे सहायक निदेशक है उनके नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हमने इसमें लास्ट ईयर और इस साल पार्टिसिपेट किया। सो लास्ट ईयर हमें 6th रैंक मिली थी, इस बार हमने इम्प्रूवमेंट करके इसमें हमने 5th रैंक हासिल की।